Very good morning, dear students. I hope you are doing well. And today we will continue the topic which we have studied yesterday. कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था बेटा? रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है, रिजल्टेंट की बात करते हैं. तो रिजल्टेंट में क्या लिया था अपने? सबसे पहली चीज जो हमने वहाँ पढ़ी थी, दैट वॉज उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था सुपर पोजिशन में. सुपर पोजिशन में वाई इजगल टू आर कॉस आर इजगल आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई. उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको. नेट रिजल्टेंट फाई का वैल्यू हमने सॉल्व नहीं किया था, बहुत जल्दी में पढ़ाया था वो वाली चीज़ मैंने लास्ट में कल जाते जाते. उसी चीज़ को एक बार थोड़ा सा अपन कंटिन्यू कर लेते हैं, उसी चीज़ को वापस रिफ्रेशिंग करके, और फिर अपन ये आज जो पढ़ने वाले हैं अपन की कोहरेंट के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक अपन पढ़ेंगे. क्योंकि उसके बाद अपन इंटरफेरेंस का जो मेन जो यंग डबल स्लिट है, ये इंटरफेरेंस का कंसेप्ट सुपर पोजिशन का ही है. तो सुपर पोजिशन का कंसेप्ट अपन अभी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो अपने कंसेप्ट की बात करें अपन, तो उसमें कहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन उन कंसेप्ट में, दैट इज टिल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो होपफुली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम आज स्टार्ट कर देंगे अपन उसको, जिससे कि अपन उसको कल तक कंप्लीट कर सकें. सो यंग डबल स्लिट में अपने पास फ्रिंज विड्थ और ये सब आता है. ठीक है, सो वो कुछ रहने वाला है. फ्रिंज विड्थ तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे आज, बट अपन जो कल पढ़ा था उसी की बात करते हैं अपन. सुपर पोजिशन था. लो एक बार थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं बेटा आपको. लो सुपर पोजिशन y इज टू वाई वन प्लस वाई टू, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आया था बेटा अपने पास, दैट r साइन ओमेगा t प्लस थीटा. दिस इज फाइनल रिजल्टेंट एंगल. रिजल्टेंट एंगल का जो फेज डिफरेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन phi जो थीटा था, क्योंकि y1 का वैल्यू कितना लिया था, y1 वन इज टू ए वन साइन ओमेगा t लिया था, और y2 का वैल्यू कितना पढ़ा था हमने, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दीज आर द टू वैल्यूज रिलेटेड टू वाई वन एंड आई टू, एंड दिस द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेव. दिस इज रिजल्टेंट वेव विच वी हैव स्टडीड. आफ्टर रिजल्टेंट वेव वी हैव स्टडीड अबाउट द वैल्यू ऑफ आर. आर का वैल्यू कितना था अपने पास, ए वन स्क्वायर a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi, और इसी का अपन स्क्वायर किया था. r कितना आ जाएगा, a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi. ठीक है, ये अपने पास r का वैल्यू आया था. दिस इज द रिजल्टेंट. दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ थीटा. ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक चीज याद करो बेटा, एज वी नो आया कैसे था बेटा, उसके लिए इक्वेशन वन और टू क्या था, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इजिकल टू आर कॉस थीटा, ए टू साइन फाइव इजिकल टू आर साइन थीटा. इज इट समथिंग लाइक दिस और नॉट? कुछ ऐसा है नहीं है. ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इजिकल टू आर कॉस थीटा, ए टू साइन फाइव इजिकल टू आर साइन थीटा. इन दोनों को स्क्वायर कट लेके आए थे अपन. क्या इनको मैं डिवाइड, दिस वॉज इक्वेशन नंबर वन ये लिया था, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. टू को वन में डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन. डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाइव ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, आर से आर कट गया टेन थीटा. रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वो थीटा के टर्म्स में आएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव, सो थीटा वुड बी टेन इनवर्स
एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव, दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा. नाउ द नेक्स्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अपने पास क्या आ गया, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव. बेटा ये अपने पास थीटा आया. अच्छा, सो कोहरेंट सोर्स क्या होते हैं, इनकोहरेंट सोर्सेज क्या होंगे, है ना, उनके लिए क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज कैसे बनेगी. तो कोहरेंट और इनकोहरेंट सोर्स के लिए अपन फेज डिफरेंस अगर वो सब कुछ अलग अलग लेंगे, बट उस तरह से पढ़ने से पहले हमें इंटेंसिटी पढ़ना पड़ेगा. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, दिस ये मैं काम में लूंगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द वेव. नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, इसी में अपने पास इंटेंसिटी ऑफ वेव. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं अपन. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, राइट. इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली is directly proportional to the intensity of the wave, is directly proportional to the proportion to the square of the amplitude of the wave, right. So intensity I is directly proportional to I is directly proportional to a square. I किसके proportional होगा बेटा, directly proportional to a square. Now I proportionally sin हटाएंगे कितना k, a square. K is a I for source one, I is equal to kitna aa jayega k square. For resultant wave I ka value kiske equal aayega beta, I is equal to आई आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आई वन फॉर रिजल्टेंट वेव. आई आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा, के आर स्क्वायर आई वन कितना आ जाएगा, के वन स्क्वायर आई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के टू स्क्वायर. होगा ही नहीं होगा एम्पलीट्यूड. ये रिजल्टेंट वेव फॉर सोर्स वन, दो सोर्स है ना अपने पास कोहरेंट सोर्स, एक सोर्स वन और एक सोर्स टू, दोनों एक दूसरे से किस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाइव पे हैं, एंड दिस इज फॉर सोर्स टू, है ना. सो फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, from the equation of resultant amplitude, and it says r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 2 a1 a2 cos phi, 2 a1 a2 cos phi aa gaya, multiplying above equation with k. By k, so it would be kr square k a1 square k a2 square plus 2 k a1 a2 cos phi, hai na, 2 k a1 a2 cos phi. ये सब वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं. r i r कहाँ लिखना है, i2 कहाँ लिखना है, ठीक है. उससे पहले, ऐसा लिखने से पहले अपन एक चीज करनी पड़ेगी अपन को यहाँ पर, वो क्या होगा बेटा, क्यार स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर
प्लस के ए टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर, इस सब को अंडर रूट में लिख ली, स्क्वायर कर दिया, क्या फर्क थोड़ा ना पड़ा कुछ भी, कॉस फाइ सबको अंडर रूट में लिख के मैंने स्क्वायर कर दिया सबका, सो फर्क नहीं पड़ेगा उसे, फर्क नहीं पड़ेगा, के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट के ए वन स्क्वायर इंटू के ए टू स्क्वायर इंटू कॉस फाइ, के वन स्क्वायर इंटू के ए टू स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा कॉस फाइ, ये आई वन और ये कितना आ गया अपने पास आई टू, ये आई वन और ये कितना आएगा आई टू, इसी चीज को लिखा है ना, के स्क्वायर को दो बार में के लिख सकता हूँ, के इंटू के, बात तो वही है, सब कुछ अंडर रूट में मल्टीप्लाई है, बात तो वही चलेगा, सो के ए वन के साथ लिख दिया, एक के को मैं ए टू के साथ लिख दिया, दोनों का अलग अलग ब्रैकेट लगा दिए, अंडर रूट अभी भी चल रहा है, अंडर रूट का मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा आई वन और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास आई टू, दैट्स हाउ वी राइट इट, सो हियर वी हैव क्यार वन क्यार स्क्वायर को क्या लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू, एंड दिस वैल्यू वुड बी के वन स्क्वायर वुड बी आई वन, दिस इज आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइ टू अंडर रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइ, ये कुछ इस तरीके से होगा, सो आई आर आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू, सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हियर, यस चिल्ड्रन होगा ही नहीं होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ऊपर की तरफ आएगा जो भी आई वन प्लस आई टू टू आई वन आई टू कॉस फाइ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ओके नेक्स्ट थिंग, इसी चीज में अपन दूसरी बात करें अपन कि फाइ का वैल्यू चेंज होगा तो कैसे होगा, देखो फाइ क्या था, जो इनिशियल जो आपने इक्वेशन लिखी थी इनिशियल जो y1 और y2 की, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस किसके दो सोर्सेज के बीच में, हम उसकी बात कर रहे हैं, सो हियर वी गो, इंपॉर्टेंट नोट हेयर कि फाई का वैल्यू चेंज हो, फाई का वैल्यू किस तरीके से, तो अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, आर क्या आएगा, आई आर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट नोट हेयर, व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो डिग्री, व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो डिग्री, फाई का वैल्यू कितना है अपने पास जीरो डिग्री है, सो नहीं कोई नो फेज डिफरेंस, इनिशियल जो वेव्स हैं नो फेज डिफरेंस, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बी आर वुड बी ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर कॉस फाइव का वैल्यू कितना आ गया जीरो, कितना आएगा कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन, ए वन ए टू टू ए वन ए टू किसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सो अंडर रूट
दैट इज इक्वल टू आर, स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे अपन, सो वैल्यू कितना आएगा, आर इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर का रूट करेंगे तो अपने पास सिंपल वैल्यू आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ठीक है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम. नाउ द नेक्स्ट इज, ये अपने पास आर मैक्सिमम का वैल्यू है, ठीक है, इसी तरीके से अपन इंटेंसिटी भी चेक करेंगे अपन जीरो डिग्री के लिए, ठीक है, बाद में इनका सबको लिखता जाऊंगा मैं, आर मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइ इज इक्वल टू जीरो डिग्री, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू इंटू कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन, अंडर रूट आई वन आई टू था उसको मैंने अलग अलग करके भी लिख दिया, अलग अलग करके कैसे लिखूं, अंडर रूट आई वन इंटू अंडर रूट आई टू, देयरफॉर आई वन प्लस आई टू टू आई रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा बेटा, आई मैक्स के इक्वल होगा, होगा ही नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी कितना है अंडरूट आई वन अंडरूट आई टू, अंडरूट आई वन का स्क्वायर करेंगे आई वन, अंडरूट आई टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आई टू, मीन्स स्क्वायर करेंगे तो अपन कितना आएगा अंडरूट आई वन प्लस अंडरूट आई टू का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर क्या लिया था अपने ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर का अंडरूट, उसी तरीके से वहाँ पर तो क्या है अंडरूट वगैरह तो है नहीं अपने पास, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, एंड दिस इज द वैल्यू आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू आई वन अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, दैट इज हाउ द मैक्सिमम वैल्यू वी गेट राइट नाउ. सो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो क्या होगा इक्वेशन कैसी थी इसका, मतलब ए वन साइन ओमेगा टू और दूसरा इक्वेशन कितना होगा सोर्स का ए टू साइन ओमेगा टू ओमेगा टी ओमेगा टी, सो फाई का वैल्यू बेसिकली कितना है वहाँ पे जीरो, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट इन द इंपॉर्टेंट नोट, ऑफकोर्स आफ्टर दिस नोट वी आर गोइंग टू टेक द रेशियोज. एक तो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू होती है कि अपने पास क्या होता है मिनिमम वैल्यूज हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इन उनका अपन को रेशियो चेक करना है, दैट्स वॉट वी आर स्टडिंग. एंड द सेकेंड केस इंपॉर्टेंट नोट, वैन अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे और एक पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट सो आर वुड बी ए टू स्क्वायर प्लस टू कॉस 180 डिग्री अंडर रूट ए वन स्क्वायर, कितना आएगा कितना आएगा बेटा ए वन स्क्वायर कितना है कॉस 180 विल बी माइनस वन ये माइनस क्या आ गया आगे की तरफ आएगा आएगा नहीं आएगा, सो आर विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा क्यों ये नेगेटिव यहाँ आएगा कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू, सो ए माइनस ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होगा आर के इक्वल, देयरफॉर
दैट्स द वैल्यू ऑफ आर नाउ, और आर विल बी ए वन माइनस ए टू, और इसी को क्या लिखेंगे बेटा, आर मिनिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ए वन प्लस ए टू होगा, मिनिमम कितना होगा ए वन माइनस ए टू होगा, और ए वन और ए टू इक्वल हो गए तो अपने पास नेट रिजल्टेंट कितना आएगा 180 डिग्री हुआ तो ये कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज ऑन. ऑल राइट, सो आर मिनिमम आफ्टर वर्ड्स वी टॉक अबाउट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट 180 डिग्री, फाइव इजिकल टू 180 डिग्री, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी आई, या चिल्ड्रन क्या होगा इंटेंसिटी का वैल्यू, आई मिनिमम आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, माइनस वन यहां पर आएगा, आई वन प्लस आई टू माइनस टू एक साथ करके देखेंगे अपन इसको, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, आई वन प्लस आई टू माइनस टू अंडर रूट आई वन आई टू, सो दिस विल बी अंडर रूट अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, सो होल स्क्वायर टू दैट, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वे, क्या है बेटा अपने पास रिजल्टेंट, सो अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, दिस इज आई मिनिमम राइट, आई मैक्सिमम यहां था कुछ और आई मिनिमम अंडर रूट ये आ गया. एक और केस ले रहे हैं अपने यहां पर, फिर अपन रेशियोज देखेंगे यहां पर, केस थ्री ये वन था इंपॉर्टेंट नोट में जीरो डिग्री, फिर अपने पास सेकेंड कौन सा है 180 डिग्री, एंड थर्ड वन वुड बी फाइव इजिकल टू 90 डिग्री. फाइव 90 का होने का मतलब कॉस 90 डिग्री अपने पास कितना है होता है जीरो, सो आर का वैल्यू तो कितना आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 का वैल्यू कितना है जीरो, ये पूरा टर्म कितना हो गया जीरो, अंडर रूट में क्या बचा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर का अंडर रूट, दैट्स द वैल्यू ऑफ आर. किसका वैल्यू है बेटा आर का, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज उसके बाद आई रिजल्टेंट वुड बी आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई टू कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 इज जीरो, ये जीरो, ये पूरा का पूरा कितना होगा जीरो, 90 डिग्री होने का मतलब ऐसा कुछ आएगा. तो मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, एम्पलीट्यूड्स कब होंगे, तो रेशियोज अपन को देखने अब, ठीक है. सो इंटरफेरेंस रेशियो भी आएगा इसमें, सारा का सारा उसी में चल रहा है अभी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो नाउ, नेक्स्ट पॉइंट इज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ये सुनो रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, सो इट वुड बी आई मैक्स, आई मैक्स अपॉन अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट है ना, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, दैट्स हाउ इट इज. आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, दैट्स हाउ इट इज. एक तो अपने पास ये रेशियो आ गया इंटेंसिटीज के टर्म्स में, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया. अब फॉर्मूले फॉर्मूले आएंगे बेटा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ठीक है, इंटेंसिटीज पे बेस्ड.
बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, साफ साफ पता लगना चाहिए यहाँ से। IMAX का वैल्यू कितना आएगा? IMAX इज इक्वल टू अंडू टाइवन कितना है? I1 को क्या लिख सकता हूँ? K A1 square। ये मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, ठीक है? ये फॉर्मूला 1 है, इस पे कई तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, इंटेंसिटीज के टर्म्स में भी, ये वो सब तरीके से। सो K A1 square माइनस √ K A2 square होल स्क्वायर, √ के कॉमन आता, √ के का होल स्क्वायर लेके हम बाहर निकालते तो कितना बचता? A1 square A2 square √ के का होल स्क्वायर कितना? ये के और ये भी के, √ के का होल स्क्वायर कितना होता? के, कैसे के कैंसिल आउट हो गया, दिस वुड बी IMAX है ना, ये दो चीजें आ गई। अब A1 का होल, A1 स्क्वायर का √ कितना होगा? A1 सिंपली, सो इट वुड बी होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दैट इज IMAX। कहने को आप A1 प्लस A2 कहां से ले सकते, अपन बोल सकते हैं RMX का होल स्क्वायर, IMAX। A1 प्लस A2 कितना आ जाएगा? A1 प्लस A2 RMX स्क्वायर, R1 स्क्वायर, वैसे डायरेक्ट होता ही नहीं है, IMAX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मैक्सिमम स्क्वायर, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिनिमम स्क्वायर, प्रोपोर्शनल देने के अपन क्या आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो अपन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में रेशियो, किसके टर्म्स में? एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। सो दिस इज अबाउट इट, दिस इज अनादर फॉर्मूला। एक और होता है इसमें से, उसमें किस तरीके से करेंगे चलो उसको भी देखते हैं अपन। एक होता है इंटरफेरेंस टर्म भी बताते हैं अपन यहाँ पे, इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा। IMAX upon IMIN is equal to A1 plus A2 का होल स्क्वायर upon A1 minus A2 का होल स्क्वायर। सो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, A1 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा मेरे पास? A2 कॉमन लेंगे अपने इसमें से, दिस इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A2 कॉमन लेके आऊंगा तो A2 स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ कितना A1 upon A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन A2 लेंगे पर ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि होल के ऊपर क्या है अपने पास, कॉमन है, होल के ऊपर क्या है बेटा, कॉमन। सो दिस वुड बी A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कॉमन आ गया। कई बच्चों को हो सकता है ये समझ नहीं आया होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, A1 अपॉन A2 क्या किया मैंने यहाँ पे, A1 बाहर लिया मैंने, A1 या A2 ऐसा ही ना, ये वाला A2 बाहर लेगा अपन तो ब्रैकेट में क्या बचा, A1 अपॉन A2 प्लस यहाँ वाला, यहाँ तो 1 बचेगा तो ये, और बाहर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना अपन को,
सो दिस इज वॉट आई हैव डन हेयर. समझ आ गई बात. सो ए वन बाई ए टू प्लस वन. सो दिस इज एम एक्स अपन आई मेन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू प्लस वन, ए वन बाई ए टू माइनस वन होल स्क्वायर. सो हेयर देर इज अ टर्म कॉल्ड स्मॉल ए विच इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म. दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म. ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू इंटरफेरेंस टर्म. यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आई मैक्स आई मीन वुड बी ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन का होल स्क्वायर. बहुत बार ऐसे होंगे कि डायरेक्ट आपसे इंटरफेरेंस टर्म का वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन में. ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू विच इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म. और ए का वैल्यू अपने पास कॉन्स्टेंट आएगा. समझ आ गई बात. सो दिस इज अनादर फॉर्मूला. ये सारे के सारे उसी के टर्म्स में चल रहे थे अपने पास. आई वन आई टू के टर्म्स में अपने फॉर्मूला लिया. अच्छा आई वन और आई टू का अपन आई मैक्स और आई मेन के टर्म्स में भी ले सकते हैं अपन फॉर्मूला. एक और तरीका है. दिस द लास्ट पॉइंट विच वी आर स्टार्टिंग हेयर एंड दिस इज एज वी नो आई मैक्स अपॉन आई मेन अंडर रूट आई वन. वहां का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें अंडर रूट. ये फर्स्ट फॉर्मूला इससे बात कर रहा हूं मैं. यहां का स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लेना पड़ा हमें. ठीक है कॉमन लेके आई टू कॉमन लेके काट दो आई मैक्स अपॉन आई मीन अंडर रूट आई टू कॉमन लिया आई वन बाय आई टू प्लस वन. बहुत बार इस तरीके से दिया होगा आपको. ठीक है तो ये किस तरीके से भी ले सकते हैं मतलब आगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन किस तरीके से. तो ये सारे जितने भी कराएंगे तो है अपने पास फॉर्मूलाज जिससे कि बेस्ड अपन को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. समझ आ गई बात. सो चिल्ड्रन दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज मैक्सिमम एंड मिनिमम. आई टेक ए स्मॉल ब्रेक एंड गेट बैक टू यू. सो वी हैव सो फार वी हैव स्टडीड ऑल द फॉर्मूलाज. इस फॉर्मूलाज पे अपने पास बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस अपने पास रेशियो गिवन होता है. अच्छा उसके अलावा अपने पास जो कंडीशंस हैं कि अपने पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है उसको भी पढ़ेंगे अपना. सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात करें. सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. एम्पलीट्यूड अपने के पास गया होता है. एम्पलीट्यूड किस में होगा मीटर में होगा. ठीक है अच्छा तो एम्पलीट्यूड मीटर में होगा. सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं. देखो हमारे पास फॉर्मूला जितने भी आई मैक्स और आई मिन के फॉर्मूला अपने पास आ गए और स्मॉल एक इसके इक्वल है ए वन अपॉन ए टू और ए वन अपॉन ए टू को क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको इंटरफेरेंस टर्म. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव हियर इज दैट so here what do we have is a1 by a2 value of interference term is given as 4
फाइन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज फाइन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, फाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज. देखिए इधर क्या हो रहा है बेटा, ए का वैल्यू की हमें 4 और आई मैक्स अपन आई मिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है. पूछा नहीं पूछा है, नहीं है पूछिए जी. सो क्या करेंगे अपन इसमें, आई मैक्स अपन आई मिन, आई मैक्स फॉर्मूला क्या होता है ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, नहीं होता आप इसको फिर सॉल्व कर लेना. ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन का होल स्क्वायर. ए का वैल्यू 4 प्लस वन अपॉन 4 माइनस वन, ये अपन 5 स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 9, दिस विल बी द रेशियो. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इस तरीके के इंटरफेरेंस सिस्टम वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटीज इज 16:9. 16:9 फाइंड, फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू सोर्सेज. पूछा क्या है, a1/a2 इसी पे बेस्ड क्या पूछा है, a1/a2 इसको पूछा है. तो क्या करेंगे, दिया क्या है, IMAX अपॉन आई मिन 16:9 और इसी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, a1+a2 का होल स्क्वायर, a1-a2 का होल स्क्वायर. बताएं आई मैक्स और आई टर्म, इसके टर्म में ये फॉर्मूला भी लिखा था मैंने अभी आपके पास. तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अनरूट करना पड़ेगा, इधर अनरूट करेंगे तो 16:9 अनरूट इज इक्वल टू a1+a2 अपॉन, सो 16:9 इज इक्वल टू 4/3. कितना 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और अनरूट 9 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a1-a2 राइट. अब इसमें से a1 अपन कॉमन लेके और अपन वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 a1-4a2 इज इक्वल टू 3a1 माइनस प्लस 3a2, ठीक है. a2 को राइट में ले गया, 4a1 इसको लेके आया अपन लेफ्ट में, सो 4a1 माइनस 3a1, 4a2 राइट में चला गया पॉजिटिव का होगा, 3a2 ऑलरेडी था. कितना बन गया बेटा, 4a1 माइनस 3a1 कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 7a2, सो a1/a2 विल बी 7:1. That's how we solve this type of question. ठीक है, एक इस तरीके से वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व हेयर एंड देन वी विल प्रोसीड. अच्छा, आई मैक्स आई मिन के टर्म्स में अपने पास इंटेंसिटीज का रेशियो दे देंगे अपन. क्वेश्चन में क्या दे दिया, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज पूछ लिया अपन से, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे अपन. I1 और I2 दे दिया अपन को, आई मैक्स और आई मिनिमम पूछ रहा है, देन हाउ वुड यू सॉल्व दैट. सो फॉर दैट लेट मी जस्ट टीच यू वन मोर क्वेश्चन हेयर.
ओके सो द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ सोर्सेस इज 9:1 इंटेंसिटी का रेशो दिया है फाइंड आईमैक्स रेशो आई मीन फाइंड IMAX upon IMIN is equal to √I1 + √I2 याद है सारे ये तीन तरीके से मतलब तीन तो क्वेश्चन करा दिए मैंने कोई डाउट डिस्कशन में भी क्वेश्चन अपन इनके लेंगे और यहाँ पे कितना है √ हो गया नहीं होगा होगा बहुत अच्छी बात है IMAX IMIN सो √I1 अच्छा चलो इधर ध्यान दो एक बार I1 upon I2 कितना दे रखा है 9/1 I1 विल बी 9/I2 है ना आप पता चले यहाँ पे यार रेशो दे रखा है तो मैं I2 कॉमन लूँ I1 और I2 के टर्म्स में लिखना चाहूँ वैसे मत करना आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना कैसे करोगे I1 का कितना ले लिया मैंने I1 by I2 कितना है अपने पास 9 I2 I1 इज इक्वल टू 9 I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 I2 तो I1 क्या यहाँ पुट कर सकते हैं अपन है ना सो I1 वुड बी 9 I2 होल स्क्वायर हाउ कैन वी राइट दिस कैन वी टेक √I2 इज कॉमन √I2 यहाँ पे तो √9 एंड √I2 प्लस √I2 अपॉन √9 होगा नहीं होगा ठीक है ये वैल्यू आ गई तो यहां से अपन कॉमन लेंगे IMAX upon IMIN यहां से √I2 मैंने क्या ले लिया कॉमन सो द वैल्यू वुड बी IMAX upon IMIN इज इक्वल टू √9 यहां से I2 कॉमन लिया अलग अलग करके लिखा मैंने सबसे पहले किसी बच्चे के कन्फ्यूजन हो तो अपन इसको इस तरीके से पढ़ेंगे क्या होगा कई बार कॉमन लेना नहीं आता और मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं एंड रिसेंटली आई वाज जस्ट टीचिंग टू अ किड एंड नॉट किड वो 12वीं क्लास का बच्चा है उसको कॉमन लेना ही नहीं आ रहा है गड़बड़ है ना ये तो है ना तो मैंने इसलिए √I1 आई एम टेकिंग 2 मिनट्स एक्स्ट्रा बट दैट्स फाइन दैट इज वर्थ यदि मैं ऊपर ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगा लिया मैंने इधर और नीचे भी मैंने होल ब्रैकेट ले लिया स्क्वायर ले लिया सो कैन आई टेक द √I2 कॉमन और क्या बचा √9 का वैल्यू 3 + 1 तो ऊपर बचा √I2 मैंने बाहर ले लिया और √9 मीन्स 3 - 1 ये इधर आ गया जब पावर है तो सबके ऊपर ही जाएगी ना पावर तो √I2 यदि अपने पास √I2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √I2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा I2 बचेगा पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 × 2 विल बी इक्वल टू 1 सो दिस वुड बी 4 और इसका स्क्वायर नहीं किया यहाँ पे कितना आएगा I2 × 2 इसका स्क्वायर I2 से I2 कट गया IMAX upon IMIN कितना होगा 16/4 ऊपर कितना आएगा 16 नीचे 4 और दिस वुड बी 4:1 IMAX upon IMIN विल बी इक्वल टू 4:1